थे आपके अपने YouTube चैनल रोनित एचएससी में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, फिर है आप उससे जुड़े हुए किसी कॉलेज या फिर कैंपस में स्टडी करते हैं, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो एडमिट कार्ड होने वाले हैं उसके बारे में, आपको एडमिट कार्ड कहाँ से अवेलेबल होगा, फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनको एडमिट कार्ड कहाँ से अवेलेबल होगा, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ नया है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें तो आपके जो भी एग्जाम होने हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, फर्स्ट सेमेस्टर के जो बचे हुए एग्जाम होने हैं उनके एडमिट कार्ड आपको कहाँ से अवेलेबल होंगे, तो आपका जो पुराना वाला एडमिट कार्ड है, जिस एडमिट कार्ड से आपने पहले एग्जाम दिए थे 17 अप्रैल से पहले जो आपके एग्जाम हुए थे, वो आपने जो भी एक या दो एग्जाम दिए थे उस एडमिट कार्ड से, वही आपका एडमिट कार्ड है जो चलने वाला है इस बार। अगर आपका एडमिट कार्ड गुम हो गया है, आपका एडमिट कार्ड आपको नहीं मिल रहा है, कहीं आप रखकर भूल गए हैं, या फिर आपका फट गया है, या फिर और कुछ हो गया है, तो आपको कैसे क्या कुछ करना है, अगर आपके पास एडमिट कार्ड आपका वो अवेलेबल नहीं है, तो आप एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, कुछ एक कमेंट्स थी आपकी, उनका रिप्लाई आप इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके वो पास वो एडमिट कार्ड सेफली रखा हुआ है जिससे आपने पहले एग्जाम दिए थे, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि वही एडमिट कार्ड आपका चलने वाला है। अगर बात करें आपका एडमिट कार्ड कहीं खो गया है या फिर आप रखकर भूल गए हैं, तो क्या कुछ होगा, तो आपका जो आई कार्ड है, जो कॉलेज आई कार्ड है आपका, कॉलेज आईडी कार्ड जिसमें आपकी फोटो वगैरह दी गई है, कॉलेज रोल नंबर दिए गए हैं, वो आपका चलने वाला है, उससे आप जो अपने एग्जाम है वो दे सकते हैं। नोटिस में बोला गया था, नोटिस जारी हुआ था कल, उसमें बोला गया था कि जो भी स्टूडेंट हैं, डेटशीट के नीचे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि जो भी कॉलेज में पेपर देने आएंगे स्टूडेंट ऑफलाइन, अगर उनके पास एडमिट कार्ड है तो उनकी एंट्री होगी, अगर उनके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो उनके पास आई कार्ड होना जरूरी है, अगर आई कार्ड है आपके पास तो आप जो कॉलेज में है एग्जाम अपने दे सकते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम वो या तो आई कार्ड से, या उनके पास एडमिट कार्ड है पुराने वाला तो वो दे सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार से नया एडमिट कार्ड नहीं मिलने वाला एग्जाम को देने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की। तो फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो है डेटशीट जारी हुई है, कुछ एक डेटशीट, इससे पहले वाली वीडियो आपको यहां पर लिंक जो दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डेटशीट अपनी देख सकते हैं फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर की। तो फ्रेंड्स, अब बात करें कि आपके जो एग्जाम है वो आपके एग्जाम 21 तारीख से शुरू होंगे, जो फोर्थ सेमेस्टर की कुछ एक डेटशीट हुई है, वो आपके सेमेस्टर के एग्जाम 21 तारीख से शुरू होंगे, ऑफलाइन आपके एग्जाम होंगे, 20 तारीख तक आपके प्रैक्टिकल का काम चलने वाला है। तो टर्मिनल सेमेस्टर के जो भी कोर्स हैं, सिक्स सेमेस्टर यूजी के जो कोर्स हैं, उनके जो प्रैक्टिकल है यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है फिलहाल, तो अगर आपके पास भी ज्योग्राफी वगैरह है तो आप अपनी प्रैक्टिकल है वो दे सकती हैं। तो फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड बात करें एडमिट कार्ड की फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की, तो सिक्स एंड फोर्थ सेमेस्टर के एडमिट कार्ड आपको 7 दिन पहले कॉलेज में ऑफलाइन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप एक रीअपीयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ, तो अगर आप रीअपीयर के स्टूडेंट हैं तो आपको जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड साइबर कैफे से आपको निकलवाना होगा। ऑनलाइन एडमिट कार्ड कैसे निकाले, कैसे क्या आपका एडमिट कार्ड निकलेगा ऑनलाइन, आप यहां पर क्लिक करेंगे इस वीडियो पर, इस आई बटन पर, तो आपको पता लग जाएगा आप कैसे अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बात करें तो रीअपीयर के स्टूडेंट्स के लिए आज लास्ट डेट होने वाली है, जो भी सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ एट्थ एंड टेंथ, यानी इवन सेमेस्टर, जो इवन सेमेस्टर हैं सेकंड फोर्थ सिक्स एट्थ और टेंथ यूजी पीजी के जो सेमेस्टर हैं, उनके रिपेयर फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट है। घर बैठे आप अपना रिपेयर का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, यहाँ पर आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा घर बैठे आप आईजीयू का रिपेयर का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड की बात आपकी कंप्लीट हो गई कि आपको जो पुराने वाला एडमिट कार्ड है वही आपको आपके काम आएगा। अगर आपके पास पुराने वाला एडमिट कार्ड नहीं है तो आप आई कार्ड से अपना काम चला सकते हैं। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का जो भी डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है आईजी मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए, जो आईजी मीरपुर या फिर उससे जुड़े हुए किसी कॉलेज में स्टडी करते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर से जुड़ी हुई अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।